नमस्कार आपण देखिए अर्गस अपडेट आपण मुझे प्रथम हेडलाइंस केन्द्रापड़े भारसाम्य हर ओलाटिला बस दस आहत चारिज अवस्था गुरुतर अवस्था मेडिकल भर्ती कटक आसुवा बेले महाकालपड़ा कुम्भारे दुर्घटना गंजाम जिला हुमा निकट एनएच रे अमोनिया गैस टैंकर ओलटवा घटना हुमारे पहुंचला पारादीप्र एक जांत्रिक टीम हलदियापदार हाइवा आसिले उठब टैंकर रास्तार गोटे पार्श्व जातायात पथ बिछाखंडी खड़ी लुट प्रसंग संस्कृति निर्देशक रंजन दास को समेत चारिज लोकायुक्त नोटिस छह सप्ताह मध्य नोटिस जवाब रखा निर्देश अभियोगकारी सर्वेश्वर बेहुरा अभियोग आधार नोटिस भद्रक्रे बेआईन तो बोझे दुईट पिकअप जबत जाजपुर पाड़ीकोरी पश्चिमबंग को बेआईन चलाण हो गुरु चालीस रु अधिक गोरु उधार अन्य दुई गाड़ी गोरु को शोषुची आपोलो सूचना रही कि रोगी को शोषुची आपोलो टंका पाई बंधा पड़ा शब अर्गस हस्तक्षेप पर भूल स्वीकार कर शब को हस्तांतर कले हस्पिटाल कर्तृपक्ष पांच लक्ष मृत देह छाड़ कर्तृपक्ष खोल कि रत्नभंडा सरकार को सुपारिश कर श्रीमंदिर परिचालना कमिटी रत्नर सुरक्षा को नहीं प्रश्न उपर निया एक निष्पत्ति डुप्लिकेट चाबी मिलवा पर भी दूर होनी द्वंद्व सरकार कहते नहीं जनता कहते अच्छी झारसुगुड़ा सीमा बब्याद को नहीं भूलीगले राजस्व मंत्री देखा जा नुआपड़े छत्तीसगढ़ दादागिरी एवं आगामी 24 घंटे अधिक तातिबे सूर्य दिन में 5 डिग्री अधिक बढ़ पारद आज भी सबुठ तोतला अनुगुल 35 डिग्री उपरे 16 सहर केन्द्रापड़ा ओरत अंगुलाई रास्तार कुंभारुणी निकटे बस ओलटी 10 यात्री आहत होती से मधर 4 गुरुतर अन्य 10 यात्री आहत होता जहाँ सूचना रही गुरुतर माने जिला मुख्य चिकित्सालय एवं आहत मानू महाकालपड़ा डाक्तरखाना भर्ती करापड़ा बढ़ीरु कटक जा गौरीशंकर प्रिंस बस केन्द्रापड़ा जिला महाकालपड़ा ब्लक सुनीति बेड़ा कंधा ग्रामर प्रिंस नामक एक यात्रीवाही बस कटक जा समय महाकालपड़ा ब्लक ओरत घाट निकट में भारसाम्य हर ओलटी पड़ा फल दुर्घटना घटी जमापड़े तेज संपर्कित अधिक सूचनापी आम सहित केन्द्रापड़ फोनलाइन जोड़ा प्रतिनिधि प्रभात लिंका प्रभात पूरा घटना किभली था और जो मैंने आहत होती प्रथम कहतु से अवस्था बर्तमान किभ रही देखो प्रतिदिन पर जो गौरीशंकर प्रिंस बस टी सुनीति बेड़ाकंदारू जदि कह चंडीखोल भाइया दे जाए भुवनेश्वर कटक भुवनेश्वर जाए तेज जो ग्रामांचल लोक मैंने से बस को निर्भर करते आज भोर पांचटा समय जदिव कह प्रिंस बस टी आसुवा समय कह रास्ता दी आसला ओरत घाट निकट में बस टी भारसाम हर पलटी पड़ता जी कह 10 जन गुरुतर आहत होती 10 जन भर 4 जन गुरुतर आहत होते हैं प्रथम जो आंबुलांस मध्यम गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र महाकालपड़ा को निला केन्द्रापड़ा मेडिकल को जड़े व्यक्ति जाता बेले अन्न 4 जन को बर्तमान कटक स्थानातर कर जो रही 5 जन जो यात्री अच्छा सुस्थ अच्छा संपूर्ण सुस्थ अच्छा संपूर्ण घटना जी कह तेरे बस टी प्रतिदिन यातायात करता बेले जो रास्ता कम बर्तमान चली रास्ता जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क काम चली तेज से रास्ता कम जो रही घोड़ी पथर और बाली सब रही बस रो ड्राइवर भारसाम हर बस तेरे तब रास्ता बर्तमान बेआईन भाव जो प्रकार मेटेरियल पड़ रही प्रति प्रशासन दृष्टि रोनी स्थानीय तहसीलदार दृष्टि रोनी तेज ठिकादार मैंने बेफिकर पकई दौरान बारंबार दुर्घटनाग्रस्त होदी कह नजर कह रही तेरे बस दुर्घटना घटला जदि कह कि अंशर लोक मान क्षय क्षति न हो 4 जन गुरुतर भाव कटक स्थानांतरित करा सूचना आम पाठ रही आज जो 6 जन अच्छा अवस्था किप रही 4 जन गुरुतर जड़े केन्द्रापड़ा मेडिकल बर्तमान चिकित्सित होते आउ 5 जन मुख स्वास्थ्य अवस्था ठीक रही विशेष क्षति क्षय करते से निज निज घर को फेरी जाती भाव में बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात आप समस्त सूचना जाजपुर जिला धर्मशाला तहसील अंतर्गत बिछाखंडी पहाड़ संरक्षित जंगल बेआईन भाव ग्रेनाइट पथर खनन एवं चोरा चालाण करने मामलें 4 जन ऑफिसर को नोटिस जारी करिसेंती ओडिशा लोकायुक्त
जाजपुर पूर्वतन जिलापाल तथा वर्तमान संस्कृति निर्देशक रंजन कुमार दास समेत वर्तमान जिलापाल चक्रवर्ती सिंह राठौर, धर्मशाला पूर्वतन तहसीलदार सरोज कुमार पंडा, वर्तमान तहसीलदार प्रशांत सामंतराय को 6 सप्ताह मध्य नोटिस जवाब रखा निर्देश देते। शासक दल छत्र छाया तले एवं स्थानीय प्रशासन सहयोग में बिंछाखंडी पहाड़ माफिया माने ग्रेनाइट लुट करुवा अभियोग होता। एने से गत फेब्रुआरी 8 तारीख में लोकायुक्त पाखे अभियोग करते सूचना अधिकार कर्मी सर्वेश्वर बेहरा। बेआईन चालाण होता गोरु बोझ दुईटी पिकअप को जबत करा पुलिस। दुईटी पिकअप गाड़ी में 40 रु ऊर्ध गोरु को उद्धार कर सूचना मिली। भोर समय 16 नंबर जातीय राजपथर चंडीखोल आड़ भद्रक बेआईन भाव गोरु बोझ पिकअप भ्यान आसुला जहाँकि खबर पाई स्थानीय लोक भद्रक गेलपुर छक निकटे पिकअप गाड़ी को अटकई थे। दुईट गाड़ी अटकी रहा बेले आउ दुईट पिकअप घटनास्थल खसवाक सक्षम होता। दुईट गाड़ी को अटकई स्थानीय लोक पुलिस को हस्तांतर करते। भद्रक ग्रामांचल पुलिस घटनास्थल पहुंची गोरु गुड़ी उद्धार करने गाड़ी को जबत कर अधिक तदंत चल। तबे संपर्कित अधिक सूचना पई आम सहित भद्रक रु फोन लाइन रे जोडना प्रतिनिधि दीप्ति अछंती। दीप्ति पूरा घटना कोन रहिछि? देखंतु विस्मय बेन भाबे चलन होउछि गोरु बोझई पिकअप भैन को आज जबत करिछि स्थानीय लोक जबत करछंती। भद्रक गेलपुर छक निकट रु दुईटी पिकअप भैन ले गाड़ी भर्ती होई आस्तुवा सूचना पाइथिले एवं ग्रामवासी स्थानीय ग्रामवासी माने तांकु अटकेबा सहित सेटाकु जो ग्रामांचल पुलिस अछि तांकु हस्तांतर करिछंती। तबे एही 16 नंबर जातीय राजपथ रे जा सूचना रहउछि चंडीखोल रु पश्चिमबंग चालन होतुवा एही गोरु पिकअप भैन टी सूचना दौरान पुलिस। तबे संपूर्ण भाव में आहरी ये दुईट पिकअप भैन को अटकई थी बेले आउ दुईट पिकअप भैन खसी पड़े जा सुजोग नहीं खसी पड़े जाइए जहाँफल कि स्थानीय लोक अटकई पार ना कि स्थानीय जो ग्रामांचल पुलिस अच्छी ता भी अटकई पार ना। तेब यही सूचना मिली दुईट पिकअप भैन रु 40 रु ऊर्ध गोरु को जबत उद्धार कर घटना नुआ नुहे कहीं पूर्व बारंबार आगुरी देखी थर गोरु बोझ जो भाव में बेआईन चलाण हो गोरु बोझ पिकअप भ्यान को जबत करते स्थानीय लोक जानुंट या पूर्व केत मैंने बजरंग दल से जानकारी पुलिस को खबर दौर पुलिस पाखे खबर पहुंचुची कि पुलिस पाखे पूर्व एने कौन प्रकार खबर पहुंचुनि। निश्चित भाव विस्मय ताहत तो बड़ प्रश्न अच्छे सृष्टि करुच्ची कहीं सब पुलिस कर्मचारी मैंने कि पुलिस अफिसर मैंने किपर भाव में जापार ना ये दिनक दिन बेआईन गोचालाण कर तबे संपूर्ण भाव जो स्थानीय लोक अच्छा कि बजरंग दल अच्छा कि गो सुरक्षा समिति वाला अच्छा से मैंने किपर भाव में सूचना पाँच जहाँ सूचना पाई गाड़ी की अटकवा सहित गोरु मानक उद्धार करोपर भाव में गोरु मैंने बंधा होती ता देखने एक प्रकार दुखद देखा लगे गोरु मान सब बंधा है चित्र देखा पाते हैं विस्मय। तेज संपूर्ण भाव जो दिनक दिन बेआईन जो गो चलाण बढ़ी चलते गो सुरक्षा समिति पक्षर कि दिन पूर्व भद्रक एसपी को दावी पत्र दि जाता। तेज संपूर्ण भाव गो सुरक्षा को किपर रोक नहीं गो सुरक्षा समिति और बजरंग दल कमिटी और स्थानीय लोक मैंने दावी पत्र दौर पुलिस को एसपी को कार्यालय जा दावी पत्र दौर तेज ए दिगरे पुलिस आहरी दृढ़ कार्यानुषान ना दरकार आहरी दृढ़ सतर्क रहा दरकार किपर भाव में गोचलाण को बंद करस्मय। तेज संपूर्ण भाव आज जहाँ घटना घटी देखिपुत सका जो भोर भोर 16 नंबर जातीय राजपथ जो भद्रक गेलपुर छक अच्छी से गेलपुर छक स्थानीय लोक किसी सूचना पाई संपूर्ण भाव में दुईट पिकअप भैन को अटकवा सहित पिकअप भैन रु 40 रु ऊर्ध गोरु को उद्धार कर दुईट खसी पिकअप भैन खसी गोरु बोझ जो पिकअप भैन अच्छी ता खसी सफल होती। तबे परवर्ती समय पुलिस जो घटनास्थल में पहुंची स्थानीय लोक मैंने पुलिस को गोरु गोरु गाड़ी को हस्तांतर करते स्थानीय जो जो गोरु जो 40 रु उद्धार कर रानीताल मईदापुर निकट जो गोशाल छड़ा जा सूचना मिली। एवं आउ जो दुईट पिकअप गाड़ी खसी जा पुलिस धरवार सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति आप समस्त सूचना।
नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे बुर्ला एवं विसुटरे कोविड संक्रमण को आखि आग्रह रखि अर्जेंट नोटिस जारी कला संबलपुर विश्वविद्यालय पीजी हॉस्टल वार्डन प्रोफेसर बी शतपथी एहि सूचना जहां नोटिस मध्य जारी करछंती कोविड नियम कड़ाकड़ी करबा पई नोटिस रे उल्लेख करबा सह संध्या 7:30 भितरे पुरुष हॉस्टल को छात्र माने फेरिबाने निर्देश दैछंती सेहिपरि छात्री माने महिला हॉस्टल को मध्य यहा पूर्वरो फेरिबाने उल्लेख रहिछि जरूरीकालीन काम नथिले हॉस्टल को बाहर को न बाहरिबाने पत्र रे उल्लेख रहिछि सेहिपरि लक्षण जणा पड़िले एम्बुलेंस को जोगाजो करि बुर्ला को शिफ्ट करि परीक्षा पई निर्देश रहिछि यहा सह एथिरे एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ऑफिसर एवं भीमसार निर्देशक को नंबर मध्य रखा जायछि तेज जो भाव में संक्रमण बढ़ुच्ची या पूर्व आपड़ जानते कि जो भाव में बुर्ला विश्वविद्यालय एक प्रकार 25 जन छात्र जहाँ पॉजिटिव थी जना पड़ा तेरे ताक दृष्टि रखी सुरक्षा को कड़ाकड़ी करस्टेल रही हॉस्टल जो मैंने बॉयज हॉस्टल रही बॉयज हॉस्टल छात्र मानू संध्या 7:30 भितर हॉस्टल को आसपाई निर्देश दि जा छात्री मैंने ठीक से हीपरी भाव में छात्र जो छात्री हॉस्टल रही यथाशीघ्र अर्थात संध्या पूर्व आसी जावाई जहाँ सूचना जारी करा जाई तबे संपर्कित अधिक सूचना पर आम सहित संबलपुर बुर्लारू फोन लाइन रे जोड़ना प्रतिनिधि ज्योति नंद ज्योति पूरा घटना कौन रही जो भाव जो नोटिस जारी रही नोटिस भितर जहाँ नोटिस लिखा रही संपूर्ण भाव कहतु या सहित जो संक्रमण बढ़ुच्ची दृष्टि रखी एभली पदक्षेप नि सूचना आसुचे दु दिन पूर्व जो भाव में बुर्ला सहर भिशुड जो भाव में छात्र छात्री मध्य कोरोना आक्रांत संख्या दिन दिन बढ़ी रही है बर्तमान सुधा से घटना लोक मध्य भय सृष्टि करेंगे प्रसार करते भिशुर बारंबार छात्र छात्री कोरोना संख्या बढ़ुची संक्रमण संख्या बढ़ी रही है बुर्ला में कोरोना संक्रमण लोक संख्या दिन को दिन बढ़िया लगी रही है से नहीं बर्तमान देखो संबलपुर विश्वविद्यालय जरूरी नोट जारी कर हॉस्टल वार्डन जो प्रोफेसर बी शतपथी नोटिस को जारी कर नियम कड़ाकड़ी मानवा नोटिस उल्लेख कर प्रत्येक छात्र छात्री प्रत्येक छात्र छात्री को संध्या 7:30 सुधा समस्त निज निज हॉस्टल फेर पूरा कड़ाकड़ी नियम लागू कर नोटिस जारी कर छात्र जो बाहर को जाए से अति जरूरी जदि काम थे निहाँ से बाहरी जी पुणे अधिकारी जो कर्तृपक्ष परामर्श नहीं बाहर को जापारे सहित कौन सी छात्र छात्री बाहर को बाहर संपूर्ण भाव मना कर मुख्य विषय हूँ जेको छात्र छात्री किसी लक्षण देखा जाए ज्वर तना किसी लक्षण देखे तो तुरंत से प्रोफेसर नंबर मतलब से स्थान दिखाई डायरेक्ट फोन करेंगे सहित परामर्श नहीं कोविड परीक्षा करेंगे अनुमति दी सहित समलपुर यूनिवर्सिटी को दुटी एम्बुलेंस मध्ये सब सब जति हॉस्टल रे थिबा छात्र छात्री जदि तंकर सेभली कोनोसे संक्रमण जणा पड़े तबे से माने कोन करबे से नै किछि से नोटिस रे जारी करा जाय छि कि जदि किछि लक्षण जे जणा पड़े माने अति शीघ्र प्रथम तंकर अधिकारी जे अछन वार्ड तंकु प्रथम जणेबे ता सहित मेडिकल रो किबे प्रोफेसर नंबर मध्ये से तने उल्लेख कराय से मानकु तुरंत फोन करबे एम्बुलेंस को फोन करबे ता सहित जे सीधा सब भीमसर को जे तंकर परीक्षा कोविड टेस्ट कोविड टेस्ट कला आगामी पदकेप नहीं समलपुर विश्वविद्यालय कर्तृप बड़ पदकेप नहीं आगुआ पदकेप नहीं कहीं जेपरी भाव में बुर्ला सहर बर्तमान कोरोना स्थिति जेपर उपजुच्छे से लोक मन जो भय सृष्टि कर लोक जीवन जीवन मैंने जब हानि न हुए लोक जीवन पूर्व जो सुरक्षा रही पार तथा जो संबलपुर विश्वविद्यालय छात्र छात्री जैसे पूर्व सुरक्षित रही पारे से कड़ा पदकेप नहीं समलपुर विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष अच्छा निहाती भाव में बुर्ला एवं विश्वविद्यालय कोविड संक्रमण को आखि रखी एभली जो नोटिस जारी करा जाए बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति आप समस्त सूचना पाए रोगी को शोषुची आपोल टंका बंधा पड़ा शव अर्गस हस्तक्षेप पर भूल स्वीकार कर शव को हस्तांतर कले हस्पिटाल कर्तृपक्ष 5 लाख टंका मृतदेह छाड़ू नथिले कर्तृपक्ष पुणी आपोलर शोषण रोगी को पुणी लुटिला हस्पिटाल अवहेलू रोगीर मृत्यु टंका बंधा पड़ा शव पुणी घर हस्पिटाल मनमानी आपोलो हस्पिटाल नारे सांघातिक अभियोग चिकित्सा अवहेलू रोगी मृत्यु मृत्यु पर भी छाड़िले मृतदेह आपोलोरे पुणी रोगी शोषण अभियोग अर्गस्त्र हस्तक्षेप पर भूल स्वीकार कर शव हस्तांतर कले हस्पिटाल कर्तृपक्ष रोगी शोषण कथा स्वीकार करने
अवहेला जोगु रोगी मृत्यु कथा भी स्वीकार करिसेंति अपोलो हॉस्पिटल कर्तृपक्ष। चिकित्सा नारे लुटिले पाखापाखि 8 लक्ष टंका, लक्ष लक्ष टंका नै सारिबा परे रोगी मृत्युबरण करिथिले, किंतु बाकी टंका दे नथिबारु मृतदेह अटकाई रखिले हॉस्पिटल कर्तृपक्ष। इन्फेक्शन पे ही डेथ हो गला मांगरो, ओ मां पूरा भलो थिले, 3 दिन पूर्वरु पूरा भलो थिले, हमको देखु थिले, हाथ लगाउ थिले, एमती करु थिले, एबे सडनली आज सकाळ को जन कड़िया अरेस्ट हो गला, आ इन्फेक्शन बढ़ी जो अरेस्ट ला। मुझ अलग डॉक्टर सहित कनसल्ट कली, से कहले कि ब्रेन रे इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन हबार रीजन ऑब्वियसली जो इन्फ्रास्ट्रक्चर अच्छे आईसीयू भितर, आईसीयू भितर बिना गाउन्स रे बिना सर्जिकल ग्लोवस रे आपन फॉरेन पार्टिकल को छुईबे टच करिवे तो इन्फेक्शन हबार चांसेस तो हाई रहउचे, सेहिते पे इन्फेक्शन हे कि एमती हला। बालेश्वर जिला सोर अंचल बासंती पात्र 12 तारीख दिन अपोलो हॉस्पिटल आसीथिले, ब्रेन हेमरेज हेबारु इमरजेंसी रे भर्ती होइथिले, पाखापाखि 10 लक्ष टंका खर्च हेले। बासंती संपूर्ण भल होइजिबा कथा भरोसा देइथिले हॉस्पिटल डाक्टर और तांक कर्तृपक्ष। आउ बासंती को हॉस्पिटल एडमिशन करिबा परे पुरुणा चिराचरित ढंग से रोगी संपर्क को खराब व्यवहार देखा जाइथिबार अभियोग आनी रोगी संपर्क। डाक्टर देखिबा खर्च रोगी संपर्क ठारु हजार हजार टंका निया जाउथिबा बेले काहेकि डाक्टर रोगी संपर्क को रोगी स्वास्थ्यावस्था संपर्क में समस्त कथा जनाऊना प्रश्न करुछंती रोगी परिवार लोके। आम आसलु 12 तारीख दिन माँ को लेकिन मो माँ हूँ माँ को ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाता ब्लीडिंग होगापर आम अपोलो इमरजेन्सी आसलु डॉक्टर विकास मिश्र अंडर में आम एडमिट होती डे वन रु माँ को मेडिकेशन चलला मेडिकेशन दे माँ हूँ धीरे 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 रिकवरी हो आसे इवेन डॉक्टर टेलिंग कि जीसीएस राइट नाउ इज 9 to 10 थिला जीसीएस तापर सडनली राति से कौन करुले मुझे जानी आईसीयू भितर तर जूनियर डॉक्टर कहले कि आम इमरजेन्सी सीट करूँ सकाल 11 आसला कहते हैं आमको इमिडिएटली ओटी करने पड़ो ओटी भी कि नहीं हेनी ये आईसीयू बेड में आम ओटी करूँ तो मुझे सर एत इमरजेन्सी थी आप रात कहीं कले से आ कि आंसर नहीं पाखे आ सेकेंड थिंग से इडी से अपरेसन टा कलापर से कहले कि कहले नहीं दिदिन पर कहते से इनफेक्शन थी आउ सर एटा हूँ 100% रु आप आईसीयू भितर चेक करेंगे अपोलो आईसीयू 5th फ्लोर में डॉक्टर विकास मिश्र अंडर जो आईसीयू अच्छे से आईसीयू में कौ भी गोटे हेल्थ केयर गाइडलाइन फॉलो होनी ना सिंगल गोटे लोक मास्क पिंधुचार भितर N95 मास्क पिंधुच ना गाउन्स पिंधुच ना सु कवर अच्छी इवेन डॉक्टर भी निजे पिंधुना मास्क आम तक आज ये पचार सर आप कहीं पिंधुना ना आम डबल वैक्सीनेटेड ये कौट गाइडलाइन अच्छे जहाँ वैक्सीन जे नहीं मास्क पिंधन केबे लागिबो अपोलो हॉस्पिटल उपरे लगाम काहेकि निजर मनमानी छाड़ू नहीं अपोलो कहा बल साधारण लोक खुलम खुला लुटुची अपोलो हॉस्पिटल। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन हेमंत सेठी संतोष जेना रिपोर्ट अर्गस। चिकित्सा अभाव नवजात 2 शिशुपुत्र मृत्यु अभियोग जाजपुर दानगति गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में एभली अभावनीय घटना देखा मिली। स्थानीय अंचल गीता देहरी नामक जन महिला प्रसव जंत्रणा होगा दानगति गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया से दुईट शिशुपुत्र जन्म देते शिशु सतान जन्म पर चिकित्सा अभाव मृत्यु होता अभियोग तेज मृत्यु को नहीं अभियोग नक मध्य स्वास्थ्य केन्द्र नर्स धमक दे गीता स्वामी केशव मंडल कहते मेडिकल मो स्त्री डेलीवरी थी आई तीनटा बेले आसती दानगति आसला डाक्तर नाला नर्स मैंने डेलीवरी कर दीटा मोर शिशु जन्म होता कि गिरे जाक मरी जा डाक्तर चिकित्सा अवहलू जो ये मैंने किसी ना ये आईसीयू नहीं ऑक्सीजन नहीं डाक्तर नाला नर्स मैंने या कर आमको भितर को जीवा मानने दौना सिक्यूरी भी अच्छा सिक्यूरी आमको गेट बाहर ठियाप कौन मत कहले तुम ये लिखिद सादा कागज गोटे आनले आते पाठ तो मत सादा कागज आनी कहे ये दस्खत कर दि आस्खत करते पल सामाजिक बसंत जो 8 घंटा धरी घर सामने पड़ रहा शव यही अभावनीय घटना देखा मिली केन्दुछ टाउन थाना अंतर्गत धोबाड़ाही जगावाड़ी को नहीं दीर्घ दिन जदुमणि और परिवार को साहिर बसंत करा जाइथिला
ଆଜି ଯଦୁମଣି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ଶବକୁ ଚାରିକାନ୍ଧ ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଶବକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଖବର ପାଇବା ପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପରେ ଶବକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶେଷରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଶବଦାହ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମର ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ଦୁଇ ସାହି ଭିତରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ, ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଗୋଟେ କନ୍ଦଳ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମର ଶରୀରଟାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ପରେ ଆମେ ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ବୁଝାଇଲାରୁ ସେମାନେ ମାନିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମର ଶରୀରଟାକୁ ଉଠାଇକି ନିଆଯାଉଛି ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। କେମିତି ଆପଣ ସେଟା ଏକ କେଉଁଥିପାଇଁ ସାମାଜିକ ବାଛେଦ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଜଣେ ଲୋକର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସହୃଦୟ ତାର ସହିତ ତା'ର ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣ ଏଇନା ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି ଏବଂ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। କୁହାଯାଏ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ, ଯେତେ ଚତୁର ହେଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଏ। ତେବେ ସେହି ଭୁଲ ପାଇଁ ଯଦି 10 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 74,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏତେ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ହାଲକା ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିବେଶକ ଆମେରିକାର ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍। ଗୋଟିଏ ଭୁଲର ମୂଲ୍ୟ 74,000 କୋଟି। ନିଜର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ $10 ବିଲିୟନ ବା 74,000 କୋଟି କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍। ନିଜର ଆନୁଆଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଏକଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏହି ନିବେଶକ। ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରି ସହିଛନ୍ତି $40 କୋଟି କ୍ଷତି। ନିଜ ଭୁଲକୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ରହିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। କୁହାଯାଏ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ, ଯେତେ ଚତୁର ହେଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଏ। ତେବେ ସେହି ଭୁଲ ପାଇଁ ଯଦି 10 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 74,000 କୋଟି କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନ ହାରିଦେବା ଭଳି ଘଟଣାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଏତେ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବେଶ୍ ହାଲକା ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିବେଶକ ଆମେରିକାର ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍। ନିଜ ଭୁଲ ବାବଦରେ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି 90 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ୱର୍କଶେୟାର ହଥୁଏ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍। କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ପତ୍ରରେ ନିଜର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ କିପରି ଏତେ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି କଲେ ସେ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ୱାରେନ୍ଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ୱର୍କଶେୟାର ହଥୁଏ 2016 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରେସିସନ୍ କାଷ୍ଟ ପାର୍ଟସ୍ କର୍ପୋରେସନକୁ 32.1 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍। ୱାରେନ୍ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସେହି କମ୍ପାନୀକୁ କିଣିଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟର ନଥିଲା ସେହି କମ୍ପାନୀ। ଏହାଛଡ଼ା କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ 2020 ଏହି ପ୍ରେସିସନ୍ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ $10 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 74,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି କରିଥିଲା, କାରଣ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ବିମାନ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି କିଣିବା ପୁଣି ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ସହିବା ଦୁଇଟି ଯାକ କାମରେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କ୍ଷତି ସହିସାରିଛନ୍ତି ବଫେଟ୍। ଏପରିକି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମସ୍ତରେ ଛେବୁଲେଟିଂ ରଖିବା ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର।